अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरविंद तारिक। तो बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया था कि तारिक भाई हमें लाइव वीडियो वायरल करके दिखाएं, तो आज मैं आपको वीडियो को लाइव वायरल करके दिखाऊंगा और आपके सामने सब कुछ करूंगा। तो सिंपली मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वीडियो कैसे वायरल करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो एडिट की हुई है, उसको मैं अपने पेज पे आज अपलोड करूंगा और अपलोड करने के बाद उसको दूंगा शेयरिंग। देने के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें आपको क्लियर करता चलूं, फिर ना कहना भाई फेक काम करता है या भाई ऐसे बातें करता है। आपको पता है ना, काफी सारे हेटर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो सिंपली आपको ये चीजें क्लियर कर दूं कि आपने एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर से जो वीडियो अपलोड करनी है ना, वो आरडीपी में रहते हुए करनी है या एलिजिबल कंट्री में रहते हुए करनी है, ठीक है? उसके बाद आप उसको मतलब शेयरिंग जो करनी है ना, वो किसी भी कंट्री से बैठ के जो कि एलिजिबल है या नहीं है, किसी भी मोबाइल पे शेयर कर सकते हैं इजीली। तो मैं सिंपली वीडियो को अपलोड किसी और सिस्टम से करूंगा, उसके बाद शेयरिंग दूंगा अपने मोबाइल से आपके सामने, जो मेरे पास मोबाइल है अपनी ओरिजिनल आईडी से। उसके बाद रिजल्ट आपको दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे कि उसका क्या रिजल्ट है और मैंने कैसे उसको शेयरिंग दी है, कैसे मैंने उसको मतलब वायरल किया है। तो आपको सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा कि मेन चीज़ क्या होती है वीडियो को वायरल करने में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वीडियो अपलोड करने के बाद उसको करते हैं जी वायरल। तो मेरे साथ रहिएगा आप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इधर मैंने आरडीपी लॉगिन की हुई है और हम मतलब ना यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड करने से पहले आप देख लें कि यही पेज का नाम है सेटिस्फाइड टीवी। इसी के मैं एनालिटिक आपको एंड पे चेक करवाऊंगा। तो सिंपली मैं इसको एक वीडियो अपलोड करता हूं आपके सामने, उसी वीडियो को फिर बाद में मैं शेयरिंग दूंगा और आपके साथ अपने ग्रुप भी शेयर करूंगा तो के हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सिंपल मैं इधर से नॉर्मली तरीके से जो आप वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसी तरीके से आपने वीडियो अपलोड कर लेनी है। टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन ईजिली लिख लेने हैं और आपने थंबनेल भी अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास थंबनेल नहीं है तो आप वीडियो के अंदर से ही कोई एक थंबनेल चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद इसको अपलोड करने के बाद पब्लिक नहीं करना, प्रीमियर करना है। अभी मैं आपके सामने करूँगा, याद रहे आपने वीडियो प्रीमियम करना है। प्रीमियम करने के बाद अगला तरीका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सिंपल इसको प्रीमियम करना है, तो हम इसको अपलोड कर देते हैं इजी तरीके से, ठीक है? उसके बाद इसको करते हैं जी नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आ जाते हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम करेंगे हम जी 15 मिनट बाद। जब भी आप वीडियो अपलोड करो, आपके बाद में ये चीज़ होनी चाहिए कि 15 मिनट बाद ही वीडियो प्रीमियम होती है, उसी टाइम प्रीमियम आप नहीं कर सकते। तो मैं इधर से इससे 15 मिनट आगे कर लेता हूँ टाइम मतलब, और उसके बाद आपको शेयरिंग दे के बताऊँगा। 15 मिनट मैं वेट करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं शेयरिंग का आपके सामने शेयर करूँगा और आपके साथ अपने ग्रुप्स भी शेयर करूँगा कि मैं कौन कौन से ग्रुप्स में शेयर करता हूँ और कैसे शेयर करता हूँ। आप भी वही तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो सिंपल मैं 15 मिनट आगे करने के बाद इसको कर देता हूँ जी पब्लिश। जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ तो ये देखें मेरी वीडियो रेडी हो रही है पब्लिश होने के लिए। थोड़ा सा नेट इशू है या आरडीपी में कोई मसला चल रहा है उसकी वजह से है, माजरत। तो ये देखें, ये मैं अब उसी पेज पे वापस आ गया हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि वो वीडियो प्रीमियम हुई है कि नहीं है, लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। सिंपल मैं पेज पे चला जाता हूँ। पेज पे जाने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नेट का इशू काफ़ी चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है नेट को। तो इधर सिंपल मैं आ गया हूँ। आने के बाद मैं इधर आप देख सकते हैं कि वो वीडियो मेरी प्रीमियम है। याद रहे आपने प्रीमियम ही करनी है, पब्लिक नहीं करनी, ठीक है? इसके बाद आ जाता है जिस स्टेप शेयरिंग का, तो वो मैं आपको अपने मोबाइल पे देख के बताऊंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी आईडीज मोबाइल पे लॉगिन है। अगर आपके पास भी है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, वरना आप लैपटॉप से भी यही तरीका यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं करने वाला हूँ। याद रहे मेरे पास जो आईडीज हैं वो काफ़ी हाई रीच और अच्छी आईडीज हैं। मेक श्योर कि आपके पास भी वही आईडीज होनी चाहिए जो कि मतलब अच्छी रीच वाली हों और उनके कम से कम को 500-600 से ऊपर फ्रेंड्स हों, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको सिंपली अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलूँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो ये देखें मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। 12 मतलब 10 मिनट वेट करने के बाद ये देखें, ये 8 सेकंड बाद हमारी वीडियो प्रीमियम हो जाएगी। 6, 5, 4, 3, 2 तो जब भी प्रीमियम होती है मैं आपको अभी शेयरिंग दे के दिखाता हूँ आपके सामने। कोई आपसे कुछ छुपाऊँगा नहीं, ये ग्रुप्स आपको नेक्स्ट वीक तक मैं खुद दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको नोटपैड पे ट्रांसफ़र करते हुए, तो उसके लिए माजरत, लेकिन नेक्स्ट वीक तक आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक ही यही कपिल शर्मा वाला होगा, ठीक है? तो सिंपल मैं इसको कर देता हूँ ये शेयरिंग अपनी मेन आईडी से। मैं अपनी मेन आईडी लॉगिन की हुई है, मैसेंजर भी नहीं करूँगा,
ग्रुप्स में करूंगा, तो इधर मैं ग्रुप अपने जो कपिल शर्मा वाले मैंने ज्वाइन किए हुए हैं इधर आपके सामने वन बाय वन उनको दूंगा जी शेयरिंग। ये ऊपर आप देख सकते हैं पोस्टिंग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मैं जैसे ही शेयर पे क्लिक करता हूँ पोस्टिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो चुन चुन के आपने देनी है, लाज अन्यवानी देनी, क्रिकेट के ग्रुप्स में नहीं देनी है, WWE के ग्रुप्स में नहीं देनी, मतलब इसी ग्रुप्स में देने हैं जो के शेयर हमारे इस कंटेंट से रिलेटेड है, जहाँ की इस किस्म की ऑडियंस बैठी हुई है, तभी जाके आपको रीच मिलेगी। याद रहे इसके शेयरिंग देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने ज़रूर करना है, जो कि आपके सामने मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो सिंपली 5-6 आइडियों से आपने ऐसे शेयर करना है जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं 2-3 आइडियों से करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती होता है, तो कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा आपका टाइम ना लूँ। तो सिंपल मैं इधर काफ़ी सारी शेयरिंग चुन चुन के ग्रुप्स जो कि कपिल शर्मा से रिलेटेड मेरी आईडी में पड़े हुए हैं, वैसे तो 7-8 देनी चाहिए, शेयर देनी चाहिए एक आईडी से, लेकिन मेरी आईडीज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई है और काफ़ी अच्छी रीच वाली है। याद रहे ये एडमिन आईडी नहीं है जिससे मैं शेयरिंग दे रहा हूँ, कहीं आप ये ना समझ लें कि तारीख मैंने लैपटॉप से ये शेयर करके उसके बाद एडमिन की आईडी से ही शेयर कर रहा हूँ, नहीं, वो हमारी आरडीपी वाली आईडी है, वो हमारी एलिजिबल कंट्री की आईडी है और उधर ही लॉगिन होती है। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कपिल शर्मा कैसे हम शेयर कर रहे हैं और कौन से मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स आपको नेक्स्ट वीक तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिलेंगे, अभी नहीं दे सकता, उसके लिए माजरत, सीधी सी बात है, ठीक है, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीक, यही ग्रुप होंगे, आप चेक कर लेना, इनका नाम अभी नोट कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे शेयरिंग देने के बाद मैं मतलब अब आपको दूसरी आईडी पे मुंतकिल करना चाहता हूँ, दूसरी आईडी पे लेके चलता हूँ जहाँ से वो मेन चीज़ मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। यह वही चीज़ आपने यूज़ करनी है, याद रहे शेयरिंग आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो इस पे शेयरिंग देने के बाद हम चलते हैं किसी नेक्स्ट आईडी की तरफ, जहाँ पे हमारी मेन चीज़ मेन ट्रिक का शुरू होती है। तो इसको करते हैं लॉग आउट, किसी और आईडी को करते हैं जी ओपन। ये भी मेरे पास हाई रीच और स्ट्रॉन्ग आईडीज पड़ी हुई हैं आपके सामने, ये वही पेज है जो कि मैंने अभी 2 मिनट पहले अंदर जाके, तो इसको सिंपली मैं शेयर पे क्लिक करूंगा और सेंटर वाले लिंक से कॉपी लिंक कर लूंगा और इसको करूंगा जी मिनिमाइज। लाइक और कमेंट्स करना है आपने जरूर जिस आईडी से आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके होम पेज पे आ जाता हूँ, इधर वही लिंक पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने टैग्स लोगों को टैग करने हैं। अब टैग करने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो एंड पे आप जाके एनालिटिक पे चेक कर सकते हैं, आप इसका रिजल्ट चेक कर लेना, इसका क्या रिजल्ट निकला है सब कुछ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपली मैं आपके सामने टैग कर रहा हूँ लोगों को, आपने भी वही लोगों को टैग करना है जो इसमें इंटरेस्टेड है, कोशिश करें वही लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट करें, वैसी आईडी फाइंड करें। मेन चीज़ आपके हथियार होते हैं, अगर आपके पास हथियार पूरे हैं ना तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, आप कहें कि मैं नई आईडी बनाऊं और उस पर ये काम करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। काइंडली ये चीज़ समझें, बार बार एक ही सवाल रिपीट ना किया करें, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है और मैं भी अच्छा नहीं लगता आपको बार बार इस चीज़, ठीक है। ये देखिए मैंने 85 लोगों को टैग किया, अब इससे क्या होगा 85 लोगों के पास ये वीडियो चली जाएगी, उनके जो फ्रेंड होंगे उनके पास भी ये वीडियो चली जाएगी, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, इसको कहते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको, ये कोई भी नहीं बताएगा और ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रीमियम मतलब कोर्स सर आपके सामने है, श्रुति आपके सामने, ठीक है। लेकिन हमने इस वीडियो को डिलीट नहीं करना है, मेरा मूड खराब मत करो प्लीज। उसके बाद ये देख लें एक मूड हमारी वीडियो ठीक कर दूंगा, होटो का की हुई है, इसको भी मैं एंड पे आपको डिस्क्राइब करूंगा और इसको करूंगा जी लॉग आउट। आपने शेयरिंग देनी हुई तो इससे शेयरिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं इस आईडी से अब शेयरिंग नहीं दूंगा। अब मैं कोई और आईडी लॉग इन की हुई है, ये देखें ये रिसेंटली जो लास्ट पोस्टर है आप देख लें, ठीक है। अभी मैं एक नई आईडी ओपन करता हूँ, वही पेज पर आ जाता हूँ, इसको करता हूँ जी ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं देता हूँ जी इससे शेयरिंग, जो मेरे पास ग्रुप्स हैं ग्रुप शेयरिंग आपके सामने दे रहा हूँ, ये ग्रुप्स आपको अनकरीब इंशाल्लाह मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये ना कहना कि भाई हमारे साथ दो नंबर ही कर रहा है, तो सिंपली इसको भी उसी तरह आपने शेयरिंग देनी है जिस तरह आपने पहली आईडी से दी है। मैं आपके सामने शेयरिंग दे रहा हूँ, मोबाइल से मुझे ईजी लगता है, लेकिन हमारे पास सिस्टम का भी अवेलेबल है, उस पर दूसरी टीम देगी, ठीक है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लॉग आउट करता हूँ, एक और आईडी ओपन करता हूँ, ठीक है। दो आईडीज होगी, अब मैं तीसरी आईडीज ओपन करने लगा हूँ। जब मैंने तीसरी आईडी ओपन की तो ठीक है, इधर ये वही पेज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। इसका मैं इधर से लाइक करता हूँ और शेयर के ऑप्शन पर जाके इसको कमेंट्स करता हूँ। कमेंट्स करने के बाद मैं इसको शेयर करता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद सिंपली इसके होम पेज पे आ जाता हूँ इसी आईडी के, ठीक है। यहाँ पे मैं वो पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो इधर मैं न्यू पोस्ट पे जाता हूँ और इधर वो पेस्ट कर देता हूँ, सेम वही तरीका जो मैंने
अभी आपके सामने करके दिखाया है। लास्ट आईडी से सेम आपने वही करना है, आपने टैग्स करने शुरू कर देने हैं। कोशिश करें मैक्सिमम जितने ज़्यादा टैग्स कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि अगला बंदे ने टैग्स ऑफ किए होंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले बता चुका हूँ कि आपने वही लोगों को टैग्स करने हैं जो इससे रिलेटेड है। मैक्सिमम जितने कर सकते हैं करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे आईडी की पोस्ट की रीच बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, साथ साथ आपकी आईडीज़ की रीच जो कि फेसबुक अलाउ करता है, ठीक है, टैग्स का ऑप्शन। तो आप इजीली उनको करने के बाद इसको करते हैं पोस्ट, और उसके बाद अगर आपने इस आईडी से शेयरिंग देनी है तो शेयरिंग दे लें, आपकी आईडी को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। कोशिश करें थोड़ी शेयरिंग दें क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आईडीज़ नहीं है। तो मैं सिंपली वापस आता हूँ, वापस आने के बाद देख सकते हैं आप वही पेज है मेरे पास, ठीक है। मैंने इससे कुछ नहीं किया हुआ, इसको सिंपली शेयर करता हूँ एक दो ग्रुप्स में, कॉपी करता हूँ लिंक, ठीक है। लिंक कॉपी करने के बाद मैं फिर वापस आता हूँ, नई पोस्ट बनाता हूँ और लोगों को टैग करने। ज़्यादा लोग कहते हैं कि शेयरिंग करने से, शेयरिंग करने से भी ठीक है क्योंकि ग्रुप में बड़े लोग बैठे होते हैं, मैं इधर पर आईडी शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप्स में ज़्यादा ऑडियंस होती है, आईडी को टैग करने से कम होती है, लेकिन इससे रीच ज़्यादा जाएगी आपकी पोस्ट की। मैं 100% गारंटी के साथ एंड पे आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। सिंपल आपने टैग करने हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा आप टैग कर सकते हैं। मैं 3-4 आईडी से टैग करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। ये मैं मुख्तसर से भी बना सकता था वीडियो, लेकिन फिर काफ़ी सारे भाइयों ने कहना था पता नहीं तारिक भाई ने अंदर कौन सी इसको फूंक मारी है, वीडियो वायरल हो गई है। तो अब मैं इस आईडी को भी लॉग आउट करता हूँ और चलता हूँ अपने मेन आईडी पे, सबसे जो मेरी मेन आईडी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरी टाइमलाइन पे शो हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाने के बाद इसी पेज का सेटिस्फाइड टीवी का आपको एनालिटिक्स शो करवाता हूँ। याद रहिए मैं एडमिन ट्रांसफ़र हो गया हूँ, ठीक है। एडमिन ट्रांसफ़र होने के बाद मैं ये चीज़ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिल में कुछ शक व शुबा ना हो। और याद रहे ये वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले बना ली थी, लेकिन आज अपलोड कर रहा हूँ, कहीं ये भी ना समझ लेना कि पता नहीं तारिक भाई ने क्या कर दिया। सिंपल मैं वही पेज आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सेटिस्फाइड टीवी वाला। तो मैं उसको लॉग इन कर लेता हूँ क्रिएटेड स्टूडियो में, ये देख लें आप वही पेज है, ठीक है। इसको मैं व्यू करता हूँ, व्यू करने के बाद हम आ जाते हैं जी उस पेज के अंदर, ये देख लें ये वही पेज हमारे पास लॉग इन हो गया। सिंपली इसके एनालिटिक में जाता हूँ, ठीक है, इधर जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये वही पोस्ट वही पेज रीच पे गया हुआ, ठीक है। अब आप ऊपर देख सकते हैं 97.1 है, तकरीबन 1,00,000 बंदों ने 3 मिनट व्यूज़ लिए हुए हैं, इससे 3 मिनट देखा हुआ इस वीडियो को। वो कैसे देखा हुआ है मैंने आपके सामने ऑलरेडी शेयर करके बता दिया। अभी लास्ट में आपको डेट भी शेयर कर देता हूँ कि क्या वही डेट है। और 1 मिनट व्यूज़ देख रहे हैं 18.1 के हैं, ठीक है, और 17.4 के ये 3 सेकंड व्यूज़ हैं, ठीक है। ये मतलब 7 दिन की लास्ट 7 डेज़ की परफॉर्मेंस मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। ये 3.5 के एंगेजमेंट है और 49 फॉलोअर इस वीडियो ने हासिल किए हैं अभी आपके सामने है, ठीक है। उससे पहले मैं शेयरिंग तो देता था, लेकिन ये जो नीचे ग्राफ है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे ग्राफ है, लेकिन ये एंगेजमेंट नहीं बन रही थी, वीडियो परफॉर्म नहीं कर रही थी। अभी मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने है वो लास्ट वाली परफॉर्मेंस और अब वाली परफॉर्मेंस लास्ट 7 डेज़ की। इससे क्या हुआ, मैंने टैग किया इस वीडियो को वायरल करने के लिए, सिंपली वो वायरल हो गई है। आप वो वीडियो डिलीट कर देना, कोई इशू नहीं है, चलती रहना चाहिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप पे अपना डिपेंड है, लेकिन रिस्केबल काम मैं नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये लास्ट 7 डेज़, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेट वीडियो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने पहले क्रिएट की हुई है और ये आज पोस्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई है और अब आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना तो मेरे पेज जुड़े हैं, ना ही मेरी आईडी उड़ी है, ना ही मेरे पेज को कोई ख़तरा हुआ है, ठीक है। वीडियो अब भी पेज पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अभी मैं दिखा देता हूँ वो वीडियो लास्ट 7 डे से 35K जी, ये 40,000 व्यूज़ हो चुके हैं इस पर, आप देख लें, कोई इशू नहीं है, कोई किस्म की कोई चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये छोटा सा ग्राफ भी देख लें, ये पेज कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।